हाय ट्रेनीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप सबको पता ही है कि सीबीएसई बोर्ड ने पहले आप सबके लिए क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस रिलीज किया। ठीक है, 50-50% सिलेबस डिवाइड कर दिया टर्म 1 और टर्म 2 में। उसके बाद अब सीबीएसई बोर्ड ने आप लोगों के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए और क्लास 12th के बच्चों के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट्स के रिलीज कर दिए हैं, ताकि आप उन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को देखें, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चले कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उसके अलावा कितने सेक्शन में उनको डिवाइड किया गया है, केस स्टडी के क्वेश्चंस कितने होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस कितने होंगे और कितने क्वेश्चंस टोटल आएंगे, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर देखकर ही पता चलने वाली है। तो अगर अभी तक आपने सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, तो सीबीएसई की वेबसाइट में जाके सब्जेक्ट्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखिए। और आज की इस वीडियो में मैं अपने क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाली हूँ, वो भी स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम सारा सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और स्किप बिल्कुल मत करना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो चलिए, अब यहाँ पे ये है सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, स्टैंडर्ड का सैंपल क्वेश्चन पेपर उठाया है, स्टैंडर्ड का कोड है 041, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 90 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी, मतलब कि 1.5 आवर में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है, और 40 मार्क्स का पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट्स, मतलब सेक्शन ए बी सी पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जो 1-1 मार्क के होंगे, आपको एनी 16 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी 1-1 मार्क के, आपको एनी 16 अटेम्प्ट करने हैं। तो 16 मार्क्स इसके बन गए, टोटल 32 मार्क्स। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कि 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें 5-5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आपको एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो 8 मार्क्स इसके लगा लो, इनको प्लस करोगे तो 40 मार्क्स आपके बन गए। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दी जाएगी। तो यहां पर अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एक एडवाइस दूंगी मैं कि आपको ओएमआर शीट पे जब आंसर्स करने हैं, तो आप सेक्शन ए में जो भी 16 क्वेश्चंस पे आप श्योर हो कि ये आपके बिल्कुल ठीक है, हम सिर्फ को अटेम्प्ट कीजिए, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत कीजिए, क्योंकि ओएमआर शीट ऑटोमेटिकली स्कैनिंग मशीन से चेक होंगी। तो जैसे ही आपका पेज ओएमआर शीट का स्कैन किया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 16 के मार्क्स ही देखेगी। ठीक है, उसके अलावा बाकी के 4 क्वेश्चंस आपने सेक्शन ए में अटेम्प्ट किए हैं, उसको उसके मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, चाहे आपने वो बिल्कुल ठीक किए हों। और अगर फर्स्ट 16 में आपके कोई 4 गलत हो गए, तो वो कट हो जाएंगे, उसके नंबर आपके कट जाएंगे। तो आप ये ध्यान में रखें, आप सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए जो जिसमें आप श्योर है। ऐसे ही सेक्शन बी में कीजिए, सेक्शन सी में कीजिए, कोई भी जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूं, जिसका नाम है सक्सेस की सीढ़ी। तो इसका पार्ट 1 भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं, और पार्ट 2 भी अपलोड कर चुकी हूं। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, मैथ्स के लिए है। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या कर रही हूं कि हर एक पार्ट में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ताकि आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ इंटरनेट से लें या कोई एक्स्ट्रा बुक से देख के उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपना 100% रिजल्ट मैथ्स में ला सके। तो इस सीरीज को अगर अभी तक आपने नहीं देखा पार्ट 1 और 2 को, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इसको जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, और जल्द ही इसका पार्ट 3 भी अपलोड होने वाला है। तो अगर आप मुझसे लाइव भी पढ़ना चाहते हैं, तो अन अकेडमी पर आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, अन अकेडमी पर मेरी कुछ स्पेशल फ्री क्लासेस लगती हैं, जो बिल्कुल फ्री होती है, कोई भी बच्चा उसको एनरोल कर सकता है ये रेफरल कोड मेरा यूज करके। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं 21 सितंबर को एरिया ऑफ शेडेड रीजन के ऊपर क्लास आने वाला है 1 आवर का, इसकी टाइमिंग रहने वाली है 3 to 4 PM। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मेरी क्लास आने वाली है 22 सितंबर को, इसकी टाइमिंग भी 3 to 4 PM रहने वाली है। बाकी के सभी चैप्टर्स के ऊपर भी मैं 1 शॉट रिवीजन करा रही हूँ। 1 शॉट रिवीजन मतलब कि 1 आवर की क्लास में पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझा दिए जाएंगे, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए जाएंगे। तो इन सेशंस को बिल्कुल मिस मत कीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं इसमें लगने वाला, सिर्फ आपको अकेडमी आपको डाउनलोड करना है, और ये क्लासेस में एनरोल करने के लिए आपको मेरा ये रेफरल कोड यूज करना है। तो इन सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा कुछ प्लस कोर्सेज भी चलते हैं मेरे अकेडमी पर, एक जैसे ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो टर्म 1 के फुल सिलेबस यहां पे मैं 30 अक्टूबर तक खत्म करवाने वाली हूं, और ये कंप्लीट कोर्स मेरा आरडी शर्मा की बुक से चल रहा है, ये भी 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। तो अगर आप प्लस कोर्सेज पर इंटरेस्टेड हैं, तो अगर कुछ पैसे आप खर्च करना चाहते हैं, डिस्काउंट चल रहा है, स्पेशल ऑफर चल रही है
18 सितंबर से ये ऑफर स्टार्ट हो चुकी है और सिर्फ 24 सितंबर तक खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ इतने ही दिन आपके पास बचे हैं, 5% उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मतलब 10% मेरा ये रेफरल कोड यूज करने SK33 Live यूज करने से हो जाएगा, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, टोटल 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 9 months या 9 months से ज्यादा की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और अगर आप 12 months या 12 months की ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज करके SK33 Live यूज करके मिल जाएगा और एक्स्ट्रा 10% और मिलेगा, मतलब 20% आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। तो ये बहुत ही लिमिटेड टाइम है आपके लिए, अगर आप ये ग्रैब करना चाहते हो तो जल्दी से इसको ग्रैब कीजिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हरिया अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के, हमें एनी 16 करने हैं, लेकिन मैं आपको सारे 20 के 20 ही सॉल्व कराऊंगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ अ लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। सबको पता है लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, मतलब कि जो अपने टेबल के अलावा दूसरों के टेबल में भी जाते हैं। तो लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो हमें पता है 2 है, तो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गया? 4, क्योंकि 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर आता है। तो हमें HCF और LCM निकालना है। तो HCF क्या होगा 2 और 4 का? अगर हम यहां पे HCF निकालें 2 और 4 का तो वो आ गया 2, और अगर हम LCM निकालें तो वो आ जाएगा 4। हमें इनकी रेशियो फाइंड करनी है, तो रेशियो में ऊपर LCM लेना है, तो हमने LCM ओवर HCF लिया, तो LCM हमारा आ गया 4, HCF आ गया 2, इसकी कटिंग की 2/1, तो 2:1 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगी तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में ये मैंने नीचे इसका लिंक भी दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। हमें करना है के की वैल्यू को फाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, लाइंस आपको ये गिवन है, 2 इक्वेशंस गिवन है, ये लाइंस कर रही हैं कोइंसाइड। अब कोइंसाइड मतलब क्या होता है कि कोइंसाइड कि जैसे ग्राफ में अगर हम शो करते हैं कि दोनों की दोनों जो लाइंस है उसके सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसकी कंडीशन हम कौन सी लगाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पे कौन सी कंडीशन लगती है? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 विच इज इक्वल्स टू C1/C2। अब आपको अगर जनरल फॉर्म नहीं पता लीनियर इक्वेशन की, तो जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ, A1x + B1y = C1, A2x + B2y = C2। तो हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू देखिए तो वो 5 होती है, ओवर A2 की वैल्यू यहाँ से 15 हो गई, विच इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, B2 की वैल्यू आ गई 21, इक्वल्स टू C1 की वैल्यू है 3 और C2 की वैल्यू है k। तो यहाँ से हमें ये k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब अगर हम इसकी कटिंग करें तो ये भी 1/3 है, इसकी कटिंग करें तो ये भी 1/3। तो हमने 1/3 को किसके इक्वल ले लिया? 3/k को। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो k की वैल्यू आ जाती है 9। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ गर्ल वॉक्स 200 meters टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 meters टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शंस बना लें, ठीक है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ, इस साइड पे ईस्ट, इस साइड पे वेस्ट आ गया। तो गर्ल जो है ईस्ट वाली साइड 200 meters उसने डिस्टेंस कवर किया, तो ईस्ट मतलब कि यहां तक उसने 200 meters डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके बाद नॉर्थ 150 meters डिस्टेंस कवर किया। हमें डिस्टेंस ऑफ अ गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि यहां तक, ये जो है हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हम इसको डिनोट कर लें, ये हमारे पास 0 है, ये A हो गया, ये B हो गया, तो हमें AB का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 90 degree एंगल बन रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल AOB ले लें तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और बड़े आराम से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज क्या है? AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास? OA स्क्वायर प्लस क्या बन गया? OB स्क्वायर। अब OA हमें 200 का स्क्वायर गिवन है, OB हमें 150 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन गया, ये 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225, तो 225 double 0। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाया, इस साइड पे अंडर रूट आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 625 प्लस करके, ठीक है, तो अंडर रूट से बाहर ये क्या आ गया? 25, और साथ में 00 का एक सिंगल जीरो आ गया, तो 250 meters इज द राइट आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। द लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ अ रॉम्बस आर 24 and 32। मतलब कि अगर ये हमारे पास एक रॉम्बस है, इसकी जो डायगनल्स है, एक डायगनल हमारे पास 24 है जिसको हमने D1 ले लिया, एक डायगनल हमारे पास 32 है जिसको हमने D2 ले लिया। हमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ रॉम्बस फाइंड करना है, मतलब कि हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रॉम्बस फाइंड हो गया, एरिया ऑफ रॉम्बस, क्योंकि एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 D1 D2। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें
हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, ठीक है। तो डी वन हमारे पास क्या है 24, डी टू हमारे पास 32 है, इसकी हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 12 को हमने 32 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया हमारे पास आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें एरिया नहीं फाइंड करना, हमें अल्टीट्यूड ऑफ रॉम्बस फाइंड करना, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है रॉम्बस की। तो हाइट फाइंड, यहाँ पे अगर हम एक रॉम्बस ड्रॉ करें, मैं एक आपको अच्छा सा रॉम्बस बना के देती हूँ, ये उसके डायगनल्स हमें गिवन है, ठीक है। तो मान लो ये रॉम्बस हमारे पास आ गया ए बी सी और डी, यहाँ पे 0 पॉइंट है। हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल उठाने, यहां से मान लो मैंने एक ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल कौन सी ले ली मैंने, ए ओ बी। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमें पता है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री रॉम्बस के। तो यहाँ पे ये साइड हमें पता है क्योंकि अगर हम पूरे D1 का हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो इतनी साइड 12, ये भी हमें पता है। अगर इस डायगनल का हाफ 32 का हाफ करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगी। पाइथागोरस यूज करके हम ए बी निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हमारे पास ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया, 12 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, वो आ गया 144, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो यहां से ए बी कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 400, तो जो बन गया 20 सेंटीमीटर। तो यहां से साइड जो हमने निकाल ली वो 20 सेंटीमीटर निकाल ली। अब हमें बच्चा हाइट फाइंड करनी है, तो अगेन हम एरिया ऑफ रॉम्बस ही यूज करेंगे। अब एरिया ऑफ रॉम्बस हमने निकाल लिया है 384, ये आपने निकाला है अभी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रॉम्बस का हम, क्योंकि पैरेललोग्राम भी पार्ट होता है, ठीक है, रॉम्बस इज द पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम, ये एक टाइप है पैरेललोग्राम की, तो हम पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी यहां पे यूज कर सकते हैं, दैट इज बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो वो आ गया 384। अब यहां पे मैं आपको अगर व्हाइट कलर का पेन लेके बताऊं, तो यहां पे अगर हम व्हाइट कलर का पेन लें तो देखो ये उसके ऊपर हाइट बन रही है, ठीक है। तो ये उसका एबी बेस है, तो एबी अगर बेस है तो ये हाइट हमें फाइंड करनी है। तो हाइट मतलब क्या होता है, ऑल्टीट्यूड। तो यहां से ए बी हमारे पास कितना निकला है 20, ए बी हमने अभी 20 निकाला, तो ओवर अगर हम 20 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा 19.2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 19.2, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पहले एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद ये ट्राइंगल लेके पाइथागोरस निकाल के हमने एरिया साइड ऑफ द रॉम्बस निकाला। अब हमें पता है कि जो रॉम्बस है वो पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेस इनटू हाइट, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें ऑल्टीट्यूड हाइट निकालना है, तो ऑल्टीट्यूड का एज सच एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि एरिया ऑफ रॉम्बस को हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू होता है, तो इसलिए हमने बेस इनटू हाइट यूज किया, क्योंकि जो बेस है वो ही हमारी साइड ऑफ द रॉम्बस है, तो वहां पर हमारे हाइट आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है, टू फेयर कॉइंस आर टॉस्ड। अब कॉइंस को, दो कॉइंस को टॉस किया गया है, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है एट द मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब टू फेयर कॉइंस है, तो कॉइंस इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब दो है तो मान लो पहले दोनों में हेड हेड हो गया, दूसरे दोनों में टेल टेल हो गया, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, तो ये हमारे पास आ गई, तो टोटल आउटकम्स कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। हमें एट मोस्ट वन हेड, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड कहां पे आ रहा है, देखो यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, और इसका मतलब अगर हम कोई ना भी हेड ले, ठीक है, ये ना भी हेड ले तो भी चलेगा, तो वो टेल टेल हो जाएगा। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी बन गई, 3, तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो 3/4 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये ए हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, मतलब कि ये हमें पहले से ही गिवन है कि एक ट्राइंगल हम एबीसी लेते हैं, ये ट्राइंगल हमारी एबीसी हो गई, ये पहले से ही इस पीक्यूआर के सिमिलर गिवन है, ठीक है। ए एम एंड पी एन ऑल्टीट्यूड है, यहां से हमने ए एम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यहां से हमने ए एन ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, दोनों ट्राइंगल्स में हमें ए बी स्क्वायर ओवर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4/9 गिवन है, मतलब ए बी स्क्वायर ओवर पी क्यू स्क्वायर हमें 4/9 गिवन है, चीज तो गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, ए एम ओवर पीएम पीएन हमें फाइंड करना है। तो यहां से अगर हम ए बी ओवर पी क्यू की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास 2/3 हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर हटके इधर अंडर रूट आ गया। अब ए बी ओवर पी क्यू हमारे पास आ गई 2, ये हमारे पास आ गई 3, ठीक है, 2/3 हमें ए एम ओवर पी एन। अब हमें पता है कि हमने बहुत सारे ट्राइंगल्स चैप्टर में क्वेश्चन किए हैं कि अगर इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑल्सो इन देयर सेम रेशियो, तो अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन भी इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी ओवर पी क्यू है वो किसके इक्वल है, ए एम ओवर PN के इक्वल है। तो अगर इसकी वैल्यू 2/3 है तो AM ओवर PN की भी रेशियो क्या होगी, 2/3, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, D 2/3।
Come to the question number 7. If 2 sin square beta minus cos square beta equals to 2, तो beta यहाँ पे क्या होगा? हमें beta की value find करनी है. तो हम क्या लिखेंगे? देखो, 2 sin square beta तो as it is आ गया, ठीक है? Minus ये cos square beta की जगह पे हम 1 minus sin square beta, क्योंकि हमारे पास first identity है. अगर 8.4 exercise आपने की है, तो first identity क्या कहती है? कि sin square theta plus cos square theta equals to 1. तो यहाँ से अगर हम cos square theta की value निकालें, वो हो जाती है ये sin square theta इस side पे 1 minus sin square theta. तो वही हमने यहाँ पे use किया. अब theta की जगह यहाँ पे beta given है, तो हमने beta लिख लिया. Equals to right side में 2 है, तो यहाँ पे 2 ही आएगा. अब हम bracket को open कर लेते हैं. तो जब हमने bracket को open किया, ठीक है, sign change हो जाएंगे, क्योंकि bracket के बाद क्या है? माइनस का साइन. तो हमने साइन को चेंज किया. अब ये साइन के बीटा सेम है, तो 2 प्लस 1 हमारे पास 3 हो गया. तो 3 साइन के बीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया? 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3. ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो साइन के बीटा किसके इक्वल आ गया? 1 के. अब अगर हम टेबल देखें ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन के टेबल में 1 कब आता है? साइन के टेबल में तभी 1 आता है जब साइन 90 डिग्री हो. तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री. तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन. ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं. प्राइम फैक्टर्स हमें डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद दिस डेसिमल एक्सपेंशन. तो अगर हमने इसको खोला, तो हमने हमारे पास ओवर क्या आ गया? 1000. तो 1000 के फैक्टर्स क्या बन गए? 10 का क्यूब. अब 10 के फैक्टर्स किस में आते हैं? 2 और 5 के. तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन में 2 एंड 5 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि 10 के फैक्टर 2 और 5 ही होते हैं. ठीक है, 2 और 5 का होल क्यूब बन जाएगा, तो बनेगा तो 2 एंड 5 ही फैक्टर्स. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b अगर लाइंस में हो, तो क्या लाइंस होंगी? अब यहां पे अगर मान लो हम ग्राफ लें, यहां पे मैं एक ग्राफ बना रही हूं, ठीक है, ये ओरिजिन है. मान लो कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे a है x की, क्योंकि ये x एक्सिस होता है, यहाँ पे ये y एक्सिस आ गया, और यहाँ पे b है. तो अगर हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, x की वैल्यू यहाँ पे a है, तो यहाँ से एक ये लाइन बन जाएगी x y equals to b, यहाँ से ये लाइन. तो साफ पता चलता है ये लाइन इंटरसेक्टिंग हो रही है. ठीक है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए पॉइंट इंटरसेक्टिंग. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए. द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन. अब ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया. अब डिस्टेंस लिखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या है? देखो, अभी हमें पता है कि x1 x2 क्या है. अब हमें ये पॉइंट गिवन है, ठीक है, अब इसका मतलब ये हमारे पास x1 y1 हो गए. अब दूसरा फ्रॉम द ओरिजिन है, ये हमारे पास x2 y2 है. अब मान लो कि यहाँ पे अगर हम इनको माइनस करें तो भी सेम नंबर रहेगा, इसको जीरो से माइनस करेंगे तो भी सेम नंबर रहेगा. मतलब कि x2 माइनस x1 मतलब जीरो में से 5 को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया? 5 का स्क्वायर ही बन गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर रह गया. तो क्या आ गया? 25 प्लस 36. अब 25 प्लस 36 क्या होता है? √61 होता है. अब √61 का कोई सोल्यूशन नहीं है, ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए. ए स्क्वायर गिवन है. क्वेश्चन नंबर 11 में ए स्क्वायर हमें 23/25 गिवन है. अब यहां से अगर हम ए की वैल्यू निकालें, तो 23 तो हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो वो तो अंडर रूट के अंदर रहेगा, 5 बाहर आ जाएगा. लेकिन ये अंडर रूट के अंदर है, ये तो इरेशनल हो गया. ठीक है, ये रैशनल हो गया. अब अगर हम डिवाइड करें किसी इरेशनल को रैशनल से, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि डिवीजन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल, या हम कह सकते हैं कोशेंट ऑफ अ रैशनल और इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. तो इसका आंसर क्या होगा? इरेशनल. क्योंकि हमें ये पता है कि अगर सम करें रैशनल इरेशनल का, तो वो भी इरेशनल होता है. अगर डिफरेंस करें रैशनल इरेशनल का, वो भी इरेशनल. अगर मल्टीप्लीकेशन करें किसी एक रैशनल और इरेशनल, तो वो भी आंसर इरेशनल होगा. और अगर हम किसी एक इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करें या इरेशनल को इरेशनल से करें, तो वो भी हमारे पास इरेशनल ही आएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. एलसीएम हमें x, 18 दो नंबर्स हैं हमारे पास. x, 18 इक्वल्स टू 36 एलसीएम है. एलसीएम हमारे पास 2 है, और हमें एक नंबर x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अब टू नंबर्स क्या है? x मल्टीप्लाई बाय 18 किसके इक्वल होता है? एलसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम. तो यहां पे एलसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम आ गया. अब एलसीएफ हमें 2 गिवन है, एलसीएम हमें 36 गिवन है. यहां से अगर हमें x की वैल्यू निकालें, तो 18 नीचे चला जाएगा. अब हम इसकी कटिंग करते हैं. ठीक है, तो कटिंग की, तो यहाँ पे 2 1s हो गया, 2 9s, 9 1s, 9 4s, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4. तो 4 ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 पे. इन राइट ट्राइंगल राइट एंगल डेट बीट. अब राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, सी tan a हमें √3 गिवन है. तो इसको ना दो मेथड से आप लोग कर सकते हो. देखो, यहाँ पे tan a हमें √3 गिवन है, तो अगर हम इसको ध्यान से करें, तो tan a के टेबल में देखेंगे √3 कब आता है.
टैन ए के टेबल में हमने देखा रूट थ्री कब आता है, वो आता है 60 डिग्री पे. तो टैन ए कैंसिल, टैन टैन कैंसिल, तो हमारे पास एंगल ए आ गया 60 डिग्री. देखो बी ऑलरेडी 90 गिवन है, ए हमने 60 निकाल लिया, तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें तो हमारे पास सी आ जाएगा. तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है, तो क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री बन गया. अब एंगल ए की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है, सॉरी एंगल ए हमने यहाँ पे 60 निकाला है, यहाँ पे हमने एंगल ए को 60 निकाला है, ठीक है, ये 60 लिखेंगे 60, और बी हमारे पास है 90, एंगल सी हम लोग इसको यहां से सॉल्व करेंगे. तो एंगल सी कितना आ गया, हम 180 से 150 को माइनस हमने किया, माइनस हमने किया तो हमारे पास आ गया 30 डिग्री. तो एंगल सी हमने क्या निकाल लिया, एंगल सी आ गया 30 डिग्री. बस अब इसमें वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है. कॉस ए, ए हमारे पास क्या है, अब ए हमारे पास देखो भी क्या है, ए 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री बन गया. कॉस सी मतलब कॉस 30 डिग्री, माइनस साइन ए, साइन 60 डिग्री, साइन सी, साइन बन गया 30 डिग्री. तो वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल दो. अब कॉस 6 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 आ गई, और साइन 30 की वैल्यू 1/2. तो इसको सॉल्व करोगे √3/4 माइनस √3/4, दोनों को कटिंग करोगे, आंसर आ गया 0. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन द रेशियो, ये आपको रेशियो में गिवन है, लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल ऑफ सी, मतलब कि लार्जेस्ट जैसे कि 2 है तो इसको हमने सी ही लेना है, ठीक है. तो कैसे लेंगे, अब मान लो कि एंगल एबीसी, तो मतलब एंगल ए को अगर हम एक्स लेट कर ले, एंगल बी को भी हम एक्स लेट करें, और सी को उन्होंने लार्जेस्ट कहा है तो सी को हम 2x लेट कर लेंगे. तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकलेगी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके. तो हमने क्या निकाला, एक्स प्लस एक्स प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, क्योंकि ये बन गया 3x, 4x, 4 को हमने 180 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 45 डिग्री, ठीक है. x की वैल्यू 45, तो एंगल ए भी 45 डिग्री, एंगल बी भी 45 डिग्री, और एंगल सी बन गया 90 डिग्री. इसमें बस वैल्यूज पुट कीजिए. अब सीकेंट ए है मतलब सीकेंट 45 डिग्री, कॉस सीकेंट बी है तो बी भी 45 डिग्री, माइनस टैन ए है तो टैन भी 45 है, कॉट बी है वो भी 45 है. अब सीकेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, सेकेंट 45 √2 होता है, कोसेकेंट 45 भी √2, टैन 45 1 माइनस ये, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहां पे 1 माइनस 1, इसका भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया. क्लियर. सिर्फ हमें यहां से ये रेशियोस से हमने एंगल फाइंड कर लिए तीनों, एक्स लेट करके, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके. जब हमारे पास एक्स आ गया तो यहाँ पे एंगल एबीसी निकल आया. अब एबीसी में हमें सिर्फ एंगल ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है, और टेबल में से देख के हमें ये वैल्यूज को पुट करना. अब टेबल कैसे बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इसकी ट्रिक मैंने अपने चैनल पर बताई हुई है, तो आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट ओपन करके वो वीडियो को देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें फाइंड करने हैं एक सर्कुलर व्हील. अब सर्कुलर व्हील मतलब ये आपका एक पहिया है, ठीक है, तो जिसका रेडियस हमें 0.7 मीटर गिवन है, डिस्टेंस इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर, ठीक है. तो 176 मीटर क्या है, 176 मीटर क्या है, ये हमारे पास एक टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है. हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आरईवी मतलब रेवोल्यूशंस, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर सर्कमफ्रेंस, मतलब कि ये जो हमारा पूरा सर्कमफ्रेंस 1 है, ठीक है, यहाँ कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन यहां से मान लो टायर घूमना स्टार्ट हुआ, यहां तक आके कंप्लीट हुआ, तो पूरा एक चक्कर लगाया, मतलब एक रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है. तो हमने टोटल डिस्टेंस में डिवाइड क्या करना होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन. तो 1 रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, उसका सर्कमफ्रेंस हो गया सर्कल का, टोटल डिस्टेंस बेटा हमें 176 गिवन है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई आर आ गया. तो 176 पाई की वैल्यू 22/7 पुट की, 7 ऊपर चला गया, रेडियस हमें क्या गिवन है, रेडियस हमें 0.7 गिवन है, तो 7 का पॉइंट हटा के, 0.7 का हटा के 10 ऊपर ले गए, ये 7 से 7 कट हो गया. अब जितनी कटिंग होती है उतनी हम कटिंग कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया. अब ये हम इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 जा हो गया, 2 8 जा 16, अगेन 8 जा 22, और ये हमारे साथ आपस में ये कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 40 आंसर हमारा आ जाएगा. तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए, 40 आंसर आ गया. अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पे. ट्राइंगल एबीसी इज सच दैट एबी बीसी और सीए गिवन है, एबीसी डीईएफ के बिल्कुल सिमिलर है, और वहां दूसरी ट्राइंगल में हमें सिर्फ ईएफ गिवन है, हमें पैरामीटर डीईएफ का निकालना है. तो दो ट्राइंगल्स बनाते हैं हम, यहाँ पे हमने ए बी सी बना लिया,
यहाँ पे हमने डी ई एफ बना लिया, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। अब देखो ए बी हमें 3 गिवन है, ठीक है, बी सी हमें 2 गिवन है, सी ए हमारे पास 2.5 है, यहाँ पे ई एफ को अगर देखें तो सिर्फ ई एफ 4 गिवन है। हमें पैरीमीटर इसका निकालना, पैरीमीटर ट्राइंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर हम देखें कि ये दो ट्राइंगल, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है आर इन द सेम रेशियो होगा, मतलब कि ए बी ओवर डी ई आ गया तो बी सी ओवर ई एफ आया, यहाँ पे हमारे पास ए सी ओवर क्या बन गया, डी एफ बन गया। लेकिन हमें यहां पे देखें तो BS over EF given है, मतलब ये 2 over 4 इसकी कटिंग करो तो 1/2, इसका मतलब इसकी भी रेशियो 1/2 आनी चाहिए, इसकी भी रेशियो 1/2 आनी चाहिए, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, हर एक को। इसको क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये 6 बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये 5 बन गया, तो हमारी तीनों साइड निकल आई। पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 कर दो तो कितना बन गया हमारे पास 15, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। DE पैरेलल है BC के, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। AD हमें 3 गिवन है, ये 3 हो गया। BD हमें 4 गिवन है, ये 4 आ गया। BC हमें 14 गिवन है, ये 14। DE हमें फाइंड करना है, ये वाली चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, देखो सबसे पहले तो हम ये जो ट्राइंगल बन रही है ना, ADE ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इनकी सिमिलैरिटी अगर हम प्रूव करते, सिमिलैरिटी कैसे प्रूव कर सकते, हमें पता है DE BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब इस यहां से ये एंगल D वाला, यहां से ये एंगल B, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। इसको अगर मैं एंगल 1 नाम दे दूं, एंगल 2 दे दूं, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन के बहुत इजी है, यहाँ पे दोनों में देखो एंगल ए, एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए, एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बाय ए ए, बाय ए ए ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो आर इन द सेम रेशियो होगी, मतलब कि ये जो फर्स्ट हमने ट्राइंगल ली तो इसकी अगर हम साइड ए डी ले, ठीक है, इसकी साइड ए डी ले और पूरी ए बी सी की ट्राइंगल की साइड क्या हो जाएगी, ए बी, वो हम किसके इक्वल ले लेंगे, इस ट्राइंगल की डी ई साइड के, और पूरे ट्राइंगल की हम बी सी ले लेंगे, वैल्यूज को पुट कर दो बस। अब ए डी 3 है, ए बी क्या होगा, ये पूरा 3 + 4 = 7, डी ई हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है, बी सी हमें 14 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के साथ 14 ऊपर चला गया, 7 तो इसकी कटिंग की, 3 × 2 = 6 आंसर, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? हमने सिर्फ सिमिलैरिटी यूज की है, सिमिलैरिटी का क्रिटेरिया कि पहले ये एक छोटी ट्राइंगल को पूरी ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूव किया बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉमन बाय ए ए। जब ट्राइंगल सिमिलर होगी तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है इन द सेम रेशियो, ये रिजल्ट आप सबको पता होगा। अब यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड छोटी ट्राइंगल की ए डी उठाई, पूरी ट्राइंगल की ए बी उठा ली, और यहां से पैरेलल साइड देख ली, ये डीई है, यहां से ये बीसी, क्योंकि तीसरी लेने की जरूरत नहीं, उसका हमें कुछ भी ना दिया है नहीं, ना उसका कुछ निकालना है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमें 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3 गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो अगर हम साइन को भी कॉस से डिवाइड करें, साइन थीटा और कॉस थीटा tan थीटा होता है, ठीक है, तो हमें बेसिकली यहां पे tan बनाना है ताकि हम ये tan की वैल्यू यहां पे पुट कर सकें। तो क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड थ्रू आउट द टर्म, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या लिखा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ हमने किसके साथ डिवाइड इसको किया, कॉस बीटा के, तो यहां पे लिख दो डिवाइड, ठीक है। तो 4 साइन बीटा ओवर कॉस बीटा हमारे पास बन गया टैन बीटा, माइनस 3 कॉस बीटा कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि यहां पे देखो 4 साइन बीटा ओवर कॉस बीटा माइनस 3 कॉस बीटा ओवर कॉस बीटा, सिर्फ न्यूमिनेटर लिख के बता रही हूं, ये बन गया हमारे पास टैन बीटा जो यहां लिखा, ये कॉस कॉस कैंसिल, माइनस 3 आ रहा है। ऐसे ही सेम हम डिनोमिनेटर में करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 4 टैन बीटा माइनस 3। अब देखो एज सच हमें 4 टैन बीटा की वैल्यू 3 गिवन है, तो वही 3 वैल्यू पुट कर दो, है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, तो 0/6, तो 0 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट क्या होता है भी, जहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम लोग डिपेंडेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट को कंसिस्टेंट। अब आप बोलोगे कंसिस्टेंट तो यूनिक भी होता है, लेकिन सिर्फ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को डिपेंडेंट कहा जाता है, यूनिक को डिपेंडेंट नहीं कहा जाता। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें सेकेंड इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इसका कंडीशन क्या होता है कि इसकी जो सारी की सारी रेशियोज है ना, a1/a2 b1/b2 = c1/c2, सारी रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, जैसे यहाँ पे -5 है A1, तो यहां पे अगर हम A2 10 ले लें तो -5/10 -1/2 बन गया। अब B1/B2 करें तो 7/14 1/2, ये दोनों नॉट इक्वल, तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन नहीं आ सकती। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, -5/-10 कटिंग किया 1/2। अब B1/B2 7/-14 ये -1/2 बन गया, ये भी इक्वल नहीं है,
क्रॉस कर दो। थर्ड पे आ जाओ, माइनस फाइव ओवर माइनस टेन कटिंग करके 1/2, 7/14 कटिंग करके 1/2, लेकिन 2/4 ये 2 इस साइड पे माइनस 2 में चला जाएगा, तो माइनस 2/4 ये कटिंग करके माइनस 1/2 हो गया, जो कि इनके इक्वल नहीं आया, तो ये भी क्रॉस, तो बच गया डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करके देख लो, ये सारे के सारे 1/2 माइनस 1/2 ही आएंगे, ठीक है, इनको माइनस 1/2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, ठीक है, लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का ये चूज किया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना, इट इज अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक, अब हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर, तो टोटल आउटकम तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 26, ये सबको पता ही है, टोटल आउटकम्स इसकी कितनी हो गई, 26 हो गई, तो हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स में जो रिपीटेड डिजिट्स है ना, वो हमें नहीं लेने, तो मैथ्स को हमने 1 ले लिया, मैथ्स आ गया, उसके बाद ए आ गया, इसको कॉमा में सैंपल स्पेस बना लेते हैं, फिर सैंपल स्पेस में आपको पता है रिपीटेड डिजिट्स नहीं लिखते, ठीक है, फिर हमने एच लिख लिया, ई भी लिख लिया, अब एम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए लिख चुके हैं, टी भी लिख चुके हैं, तो ये एम टी ए टी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, उसके बाद एस लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितनी आ गई, 26, तो इसकी कटिंग कर दो, इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 13, तो 4/13 कहाँ है, ए ऑप्शन, तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। फिर से देख लो, मैथमेटिक्स में जो रिपीटेड डिजिट्स है उनको नहीं लेते, सिर्फ सिंगल एक एक बार ही एक डिजिट को काउंट करना है। अब एम यहाँ पे 2 बार है, तो हम सिर्फ 1 बार काउंट करेंगे, ए भी 2 बार है, उसको भी 1 ही बार काउंट करेंगे, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 8 बन जाएंगी, टोटल आउटकम हमें इंग्लिश अल्फाबेट के पता है वो 26 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 के 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, तो यहाँ पे बच्चा हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन बी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सारे के सारे 20 के 20 ऑप्शन समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और इंस्टाग्राम का मेरा ये आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको भी आप जरूर